नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो घोषणा में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पितामह अपनी बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। पांडव आपस में मंत्रणा करते हैं कि एक एक करके हम जाएंगे, पितामह की सेवा करेंगे। अर्जुन ने पहला चुनाव स्वयं का किया और लेकर के गए अपने लिए पितामह के लिए पानी, जल, औषधि। पितामह ने बहुत ही सही वाक्य में उसका जवाब दिया कि अब ये सारी चीजें ना मेरे लिए मिट्टी के समान है, क्योंकि ये शरीर भी मेरा मिट्टी के समान ही हो गया है। एक प्रश्न का उत्तर दो अर्जुन, औषधि क्या किसी बीमारी को सही कर सकती है? अर्जुन ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, बीमारी को सही तो केवल शरीर ही करता है, औषधि एक कार्य करती है अपना। तो उन्होंने यही बताया कि अब इस शरीर में मेरा कोई रुचि नहीं अर्जुन से, लेकिन उन्होंने एक आग्रह किया कि आप जो है एक मार्ग जो है आप ही बना सकते हैं जिससे मैं अपने माता से मिल सकूं। अर्जुन ने वो मार्ग बना भी दिया। माँ गंगा आ भी गई। अब माँ गंगा पुत्र भीष्म के बीच में क्या बात हो रही है, चल के देखते हैं हम एपिसोड 229 पार्ट 2। पांडु पुत्र अर्जुन, आज से मैं यहीं वास करूंगी और अपने पुत्र का ध्यान रखूंगी। तुम इस उत्तरदायित्व से मुक्त हो, वत्स। देवव्रत की पीड़ा से दुखी मत होना, वत्स। सौभाग्यशाली होते हैं वो मनुष्य जिन्हें वृद्धावस्था में फिर से बालक बनने का अवसर प्राप्त होता है, माँ का प्रेम मिलता है। जाओ, तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। आपका पुत्र होते हुए भी मेरे हाथों अनेक दुष्कर्म हुए हैं। मैंने सदैव जिनका हित चाहा, उन्हीं के नेत्रों में आंसू का कारण ही मैं ही बना। ऐसा क्यों बाधा? पुत्र, तुम धर्म को सूर्य के प्रकाश के भांति स्पष्ट देख पाते हो, इसीलिए जिन मनुष्य को धर्म दिखाई नहीं देता उनका मन तुम नहीं समझ सकते। जीवन भर तुम अपने आप के साथ कठोर रहे हो पुत्र। जो मनुष्य अपने साथ कठोर होता है वो दूसरों के साथ कोमल नहीं बन पाता पुत्र। तुम स्वयं कभी मोह में नहीं बंधे, इसीलिए मोह में बंधे हुए व्यक्तियों को तुमने केवल दंड दिया है, शिक्षण नहीं। हाँ माता, यदि मैं दूसरों की निर्बलता को स्वीकार कर पाता तो उनकी उस निर्बलता का उपाय भी कर पाता कदाचित। यही दोष तुम्हारा नहीं पुत्र, दोष मेरा है। मैंने तुम्हें कोई अपवित्रता निर्बलता दी ही नहीं। दूसरों की निर्बलता जानने के लिए खुद निर्बल होना पड़ता, स्वयं अपने भीतर भी थोड़ी निर्बलता आवश्यक है। जो अपनी निर्बलता के साथ संघर्ष करता है वही दूसरों को संघर्ष करने का ज्ञान दे सकता है। इस संसार में आप सबसे पवित्र हैं माता, तो फिर आपका ये पुत्र किस प्रकार अपवित्र हो गया? इस बार माता, तुम अपवित्र नहीं देवव्रत, तुम पवित्रता का मनुष्य रूप बनकर जिए हो पुत्र। तो फिर
मेरी मुक्ति तो नहीं हो रही पाता। तुम्हें मुक्ति देने ही तो आई हूं मैं पुत्र। जीवन में जिन कार्यों को तुमने अपना पुण्य माना है और जिन कार्यों को तुमने अपना पाप, उन सभी कार्यों का त्याग करना होगा पुत्र। इन रक्त बिंदुओं के साथ बह जाने दो जीवन भर के सभी कार्यों को। केवल ज्ञान स्वरूप बचाओ पुत्र। और जब कोई योग्य व्यक्ति तुमसे तुम्हारा वो ज्ञान मांगने आए तो उस ज्ञान का त्याग कर दो पुत्र। उस समय मैं तुम्हें अपने जल में संभालूंगी पुत्र। तब तक मैं यही तुम्हारे निकट रहूंगी पुत्र। भूमि पर तुम्हारी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में तुम्हारे पुनर्जन्म के समय की प्रतीक्षा करूंगी पुत्र। आज मेरे जीवन भर की प्यास तृप्त हो गई माता, हो गई। महाराज महामहिम भीष्म की पराजय हमारे लिए किसी प्रकार की हताशा का कारण नहीं। उन्हें पांडवों ने पराजित नहीं किया है, स्वयं उनके प्रण के कारण उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग किया है। ना ही इससे शत्रुओं के शौर्य में वृद्धि हुई है, ना ही उनके विजयी होने की संभावना में वृद्धि हुई है। मत भूलो मेरे महारथियों, आठ दिशाओं में आठ विराट हाथी मिलकर आकाश का भार उठाते हैं, उन्हें दिग्गज कहा जाता है। और एक दिग्गज के गिर जाने से आकाश नहीं गिर जाता है। महामहिम भीष्म अवश्य ही महान योद्धा थे। किंतु हमारे पास महामहिम भीष्म जैसे ही अजय योद्धा हैं, जिनके तीरों का प्रतिकार करना स्वयं इंद्र के लिए भी दुष्कर है। जिनके पास अमोघ शक्ति है, दिव्यास्त्र हैं, जो महामहिम भीष्म जैसे ही परशुराम के शिष्य भी हैं। महारथियों, कल से रणभूमि में आपके सर सेनापति होंगे। कर्ण, परशुराम के शिष्य भी हैं, भगवान परशुराम के शिष्य भी हैं, दिव्यास्त्र भी हैं। भगवान परशुराम के शिष्य, लेकिन गुरु द्रोणी किसी को कहते हैं बात अंगराज कर्ण। भाई बाबा की सिट्टी विट्टी गुम हो गई। महारथी कर्ण, आपको आपके सामर्थ्य दिखाने का समय आ चुका है।
मित्रगण, मुझे तुम पर विश्वास है। गुरु द्रोण और हमारे दोनों पास लगा। तुम्हारे पास उन पांडवों का पक्षपात करने का कोई कारण नहीं। ना ही उन पांडवों के साथ तुम्हारे कोई संबंध है। संबंध तो है, जितने लोग यहां से खड़े हैं ना, तो सबसे बेहतर संबंध पांडव तुम्हारे शिष्य हैं। मित्रकर्ण, तुम और केवल तुम उन पांडवों का वध करोगे। अंगराक्षण को आगे करने का कारण एक ही है कि वही उनका वध करेंगे। विश्वास पूरे दिल। गण फिर सैक्रिफाइस करेंगे तो मुझे लगता है कि नहीं, रामा के बाद अरे कुछ बोले नहीं। मामा समझाएंगे। एक पुत्र का अंतर समय और एक माता के लिए उनका प्रेम, ये सब दृश्य देखकर जिस तरीके से पुत्र ने अपनी माता के सामने अपने जितने भी जीवन के संशय थे वो रख दिए कि मैं आपका पुत्र होते हुए भी इतने अधर्म किस प्रकार कर पाया। दरअसल पितामह के मन में कई प्रकार के सवाल थे। उनको इस कर्म के प्रति सवाल थे, इस धर्म के प्रति सवाल थे, और अपने व्यक्तिगत भी कुछ प्रश्न थे कि मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं सब सही कर रहा हूं पर ये गलतियां हुई, गलत कैसे हो गए सब। अच्छा, ये सारा प्रकरण देखते हुए हम भाव विभोर हो गए कहीं ना कहीं, मतलब हम भी उन पूरी जर्नी को जो पितामह के साथ हम लोगों ने चली है पिछले 4 महीनों में उसको महसूस कर पा रहे हैं। अपनी भावनाओं को हम लोगों ने बहुत संभाला तरीके से कंट्रोल, क्योंकि देखिए मैंने पिछले एपिसोड में भी ये कहा था कि बहुत कम ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है किसी पुत्र को अपनी माँ की गोद में सर रख करके उनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए इस शरीर को त्यागने का, तो ये तो मतलब बिरले ही, बहुत कम ऐसा संभव है। अच्छा, वो माँ कितनी धैर्यवान होगी जिसको ये पता है कि हाँ मेरा पुत्र जा रहा है। अमूमन ऐसा हो नहीं पाता कि माँ अपने संयम को बरकरार रख सके, लेकिन वो माँ गंगा है, उनको पता है कि वो स्वर्ग से आई तो उनको स्वर्ग में भी है और इस धरती पर भी उनसे मुलाकात हो जाएगी। उनको अपने पुत्र के कष्ट भी दिख रहे हैं और उनका मोक्ष भी दिख रहा है, तो दोनों को एक साथ देखना थोड़ा सा दर्शाना बड़ा ही बड़ा कठिन कार्य है। थोड़ा सा अजीब लग रहा था देखने में, लेकिन देखने में भव्य भी लग रहा था। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दुर्योधन ने एक सस्पेंस बनाते हुए कर्ण अंगराज कर्ण को नेतृत्व दे दिया है, सेना का सर सेनापति बना दिया है। अब गुरु द्रोण वहां से वॉकआउट कर चुके हैं, क्या होता है आगे ये देखने के लिए चलना पड़ेगा हमको अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से हम यही विदा लेंगे, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।